खुले द्वार की नीति चीन के पूर्व में एक छोटा सा देश है जापान सन अठारह में जापान ने चीन पर आक्रमण किया जिसमें उसकी विजय हुई अब जापान ने भी चीन को उसी प्रकार की संधि करने को विवश किया जैसे बाकी यूरोपीय देशों के साथ हुई थी इस तरह चीन का एक बड़ा हिस्सा अलग अलग यूरोपीय एवं एशियाई साम्राज्यवादी देशों के प्रभाव में आ गया संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से चीन में व्यापार कर रहा था उसे चिंता हुई अगर सभी यूरोपीय देशों ने चीन को अपने उपनिवेशों में बांट लिया तो अमेरिका का व्यापार बंद हो जाएगा अमेरिका ने इस तरह चीन के भिन्न भिन्न प्रभाव क्षेत्रों में बांटने का विरोध किया और इसके स्थान पर खुले मुक्त द्वार की नीति की घोषणा की इसका अर्थ था कि सभी देश चीन में व्यापार करेंगे और किसी भी देश का कोई निश्चित प्रभाव क्षेत्र नहीं होगा थोड़ी नानुकुर के बाद सारे देशों ने इस संधि को मान लिया लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था सन 1850 तक फ्रांस जर्मनी एवं अमेरिका में औद्योगिकरण हो चुका था और ये देश सभी नए संभावित बाजारों पर कब्जा करना चाहते थे हमने ऊपर पढ़ा है कि उस समय चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी बड़ी जनसंख्या का अर्थ बड़ा बाजार भी होता है इसलिए दुनिया के सारे औद्योगिकृत देश चीन को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे एक दूसरी महत्वपूर्ण वजह थी पूंजी के निवेश के लिए नया क्षेत्र तलाशना औद्योगिकरण के पश्चात हुए फायदे से यूरोप में काफ़ी बड़ी मात्रा में पूंजी जमा हो गई थी जिसे वे उपनिवेशों में रेल लाइनें बिछाने व खदान स्थापित करने में लगाना चाहते थे विदेशी नियंत्रण का विरोध हमने देखा कि यूरोपीय देश चीन पर सीधा कब्जा न करके अपने हित साध रहे थे चीन का शासन अभी भी चीनी के ही सम्राट के हाथों में था लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र पर उसका हुक्म नहीं चलता था ऊपर से उसे बहुत बड़ी रकम हर जाने के रूप में देनी पड़ती थी जिसके कारण आम लोगों पर कर का भार बढ़ता गया लगातार विदेशी शक्तियों से हो रही हार एवं अपमानजनक संधियों से चीन के लोग बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे थे इनमें चीन के अधिकारियों का एक समूह भी था इन लोगों ने आधुनिकीकरण के लिए प्रयास किया उनका मानना था कि यूरोप के लोग अपनी सेना और हथियारों के कारण जीत रहे हैं तो चीन में भी आधुनिक हथियारों के कारखाने स्थापित किए जाएं, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाए इन सभी घटनाक्रम ने लोगों में बहुत ही निराशा का भाव फैलाया क्योंकि चीन के शासक वर्ग विदेशियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे थे इसलिए जनता सम्राट के खिलाफ हो गई सन 1850 से सन 1900 के बीच में कई विद्रोह हुए जिन्हें दबाने के लिए चीनी सरकार ने विदेशी मदद ली गरीब किसानों और मजदूरों ने विदेशियों को दिए गए विशेषाधिकारों के खिलाफ एक गुप्त संगठन बनाया जिसे वह बॉक्सर या मुक्केबाज के नाम से पुकारते थे उनका मानना था कि खास तरह के शारीरिक व्यायाम से वे अजय हो जाएंगे और विदेशी गोलियां उनके शरीर को भेद नहीं सकेंगी सन उन्नीस में इन विद्रोहियों ने राजधानी बीजिंग के यूरोपीय आबादी वाले हिस्से को घेर लिया वे लोग विदेशी शैतानों को फांसी लगाने के नारे लगा रहे थे इन विद्रोहियों ने कई महीनों तक बीजिंग को घेरे रखा था अगस्त 1900 में एक बहुराष्ट्रीय सेना ने बीजिंग पर आक्रमण करके इन विद्रोहियों को हरा दिया व्यापक लूटपाट की और लोगों को निर्दयता से मार डाला चीनी सत्ता इस पूरे मामले में मूक दर्शक बनी रही बॉक्सर विद्रोह की असफलता के बावजूद राष्ट्रवाद की एक मजबूत धारा का जन्म चीन में हो चुका था परिणामस्वरूप सन उन्नीस में मांचू शासन को खत्म करके चीन में गणतंत्र स्थापित किया गया लेकिन चीन को वास्तविक स्वतंत्रता सन उन्नीस में क्रांति के द्वारा ही मिली